हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की चैप्टर 7 द ओपन विंडो। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में पढ़ना। माय आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर नटल सेड, अ वेरी सेल्फ पजल्ड यंग लेडी ऑफ 15। एक 15 ईयर की जो लड़की है वह मिस्टर नटल से कहती है कि मिस्टर नटल, अभी अभी मेरी आंटी जो है प्रेजेंटली बाहर गई है, या फिर बोल सकते हैं कि डाउन गई है। इन द मेन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विथ मी। और इस समय में जब तक कि मेरी आंटी वापस नहीं आ जाती, तब तक आप मेरे साथ अपना समय बिता सकते हो। सेल्फ पजेस्ड का मतलब होता है कॉन्फिडेंस से बोलने वाला। फ्रेम्पटन नटल एंडीवर टू से समथिंग विच शुड डली फ्लैटर द नीस ऑफ द मोमेंट विथाउट अनडली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वॉज टू कम। जो फ्रेम्पटन नटल जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि जब तक उस लड़की यानी नीस की जो आंटी है वह नहीं आ जाए, तब तक वह उसको फ्लैटर करने की कोशिश करते हैं, यानी हंसाने की कोशिश करते हैं और उसको खुश रखते हैं। Privately he doubted more than ever whether this formal visit of a succession of total strangers would do much towards helping to nerve cure which he was supposed to be undergoing. Mr. Nuttall जो है उनको नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और यहाँ पर एग्जैक्टली हमें बताया नहीं गया है कि बॉडी की किस पार्ट की नर्व में उनको प्रॉब्लम है, लेकिन वो उनकी नर्व से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो इस जगह पर आए थे। और वो वहाँ पर इस चीज़ में डाउट था कि वो जो फॉर्मल विजिट वो कर रहे हैं स्ट्रेंजन यानी अजनबी लोगों के साथ, क्या ये लोग मेरे जो नर्व को क्योर करने में मेरी हेल्प करेंगे, क्या ये मेरे कुछ काम आएंगे, ऐसा विचार उनके मन में चलता रहता है। आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट। तो मिस्टर नटल कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ये कैसे होगा, क्योंकि जब वो यहाँ आने की तैयारी कर रहे थे तो उनकी सिस्टर ने उनको बताया था कि किस तरह से वहाँ पर उनके साथ क्या होगा। यू विल बरी यूर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल एंड यूअर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग। यहाँ पर मिस्टर नटल की बहन उनको बताती है कि आप अगर वहाँ पर जाओगे और अपनी लिविंग सोल यानी किसी से भी अपने मन की बात नहीं करोगे, तो आप अपने आप को पूरी तरह से बरी कर दोगे यानी जला दोगे, और आपकी नर्व्स जो है वह और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अभी जिस कंडीशन में है उससे भी ज़्यादा खराब कंडीशन में चली जाएगी। आई शेल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर। उनकी जो सिस्टर होती है उनको कुछ लोगों को जो वो जानती थी उनका इंट्रोडक्शन लिख करके देती है लेटर में, क्योंकि उनकी सिस्टर जो होती है वह कहती है कि जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनके नाम इस लेटर में लिख करके और मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम उनसे जा करके मिलना। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेम्बर वर क्वाइट नाइस। और जब तुम उन लोगों से मिलोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा उनकी बहन उनको लेटर में लिख करके देती है। फ्रेम्पटन वंडर्ड वेदर मिसिस सेपल्टन द लेडी टू हुम ही वाज प्रेजेंटिंग वन ऑफ देम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन केम इन टू द नाइस डिविजन। फ्रेम्पटन वहाँ बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि वहाँ पर जो मिलने के लिए वो वहाँ आए हैं मिस्टर सेपल्टन से, जिनके बारे में उनकी बहन ने उस लेटर में इंट्रोडक्शन में उनका नाम भी लिखा है, तो सोचते हैं कि मैं जब अपनी सिस्टर का ये लिखा हुआ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन उनको दूंगा मिस्टर मिसिस सेपल्टन को, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी उन नाइस लोगों में से ही एक होगी। मिस्टर सेपल्टन वही है जहाँ पर वो 15 साल की लड़की बैठी, यानी उसकी आंटी का नाम ही मिस्टर सेपल्टन है, सॉरी मिसिस सेपल्टन। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर आस्क द नीस। वह जो नीस थी मिसिस सेपल्टन की, वह उस मिस्टर फ्रेम्पटन से पूछने लगती है कि तुम यहाँ आसपास के और लोगों को जानते हो। वेन ही जजेस दैट दे हैड सफिशियंट साइलेंट कम्युनिकेशन। ये बात तब उसने पूछी जब वो दोनों बैठे थे और बिल्कुल साइलेंट बैठे थे, यानी दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हो रही थी, तो उस लड़की ने ये बात पूछी कि क्या आप यहाँ पर आसपास और किसी लोगों को जानते हो। हार्डली अ सोल सेड फ्रेम्पटन। मिस्टर फ्रेम्पटन कहते हैं कि हार्डली यानी मुश्किल से मैं शायद एक आध लोगों को यहाँ पर जानता हूँ। माई सिस्टर वाज स्टेइंग हियर 4 years ago and she gave me letters of introduction to some of the people here. वह कहते हैं कि मेरी सिस्टर जो थी लगभग 4 सालों पहले यहाँ रहती थी, और मुझे उसने ही कुछ लोगों का लेटर में नाम लिख करके और इंट्रोडक्शन दिया है, और उन्होंने उसने कहा है कि मैं उनसे जा करके मिल लूँ। और मेरी सिस्टर ने जो मेरे को लेटर दी है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, इससे मेरे लिए आसान हो गया है कि मैं उन लोगों के पास जा करके और उनसे मिल लूँ। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट। और वह जो लास्ट लाइन बोलते हैं कि मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेटर्स लेके आया हूँ, तो उनकी जो बोलने की टोन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। उनको इस बात पर दुख हो रहा होता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तो इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन लेटर लेकर के और इससे ही मेरे को लोगों के पास जाना पड़ रहा है।
देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, परसुइड द सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी। अब वो वापस, वो 15 साल की लड़की वापस कहती है कि अगर प्रैक्टिकली मेरी आंट के बारे में देखा जाए तो तुम कुछ भी नहीं जानते हो, ओनली हर नेम एंड एड्रेस। वह रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ उनका नाम और एड्रेस जानता हूँ, एडमिटेड द कॉलर। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसिस सेपल्टन वॉज इन द मेरिड और विंडो स्टेट। और वो सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि मिस्टर सेपल्टन जो है, जिनसे मैं मिलने वाला हूँ, वह वीडो है या फिर मैरिड है। एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम्स टू सजेस्ट मैस्कुलाइन हैबिटेशन। लेकिन जिस रूम में वह बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि यह इस रूम से किसी मेल का भी बिलोंग है, यानी यहाँ पर किसी मेल का भी आना जाना, ऐसा उनको लगता है। या फिर आदमी जो है यहाँ पर रहते हैं, ऐसी फीलिंग उनके मन में आती रहती है। हर ग्रेट ट्रेजडी हैपेंड जस्ट 3 ईयर्स अगो, सेड द चाइल्ड देट वुड बी सिंस योर सिस्टर टाइम। अब जो वह 15 ईयर्स की लड़की है, वह कहती है कि उनके साथ में बहुत ही बड़ी ट्रेजडी हुई थी 3 साल पहले। ट्रेजडी का मतलब होता है दुखांत, कोई घटना हुई। और वो कहती है आगे कि यह उस समय की बात है जब आपकी सिस्टर जो थी यहाँ से चली गई थी। हर ट्रेजडी आस्क्ड फ्रेम्पटन। तो मिस्टर फ्रेम्पटन उनको कहते हैं कि ट्रेजडी, कैसी ट्रेजडी? सम हाउ इन दिस रेस्ट्रिक्ट रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजडी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस। फिर उनके मन में आता है कि यह जगह जहाँ पर इतनी शांति है, वहाँ पर कैसे कोई ट्रेजडी हो सकती है। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, सेड द नीस। अब जो वह 14 साल की लड़की जो है, नीस है मिसिस सेपल्टन की, वह कहती है कि क्या आपको इस विंडो को ओपन देख करके आपके मन में ये विचार नहीं आ रहा है कि अक्टूबर के महीने में हम इस विंडो को ओपन क्यों रखे हुए हैं। इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू अ लॉन। इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करते हुए कहती है कि वह जो खिड़की दिख रही है सामने, वो देखो ओपन किस तरफ हो रही है, लॉन की तरफ। यानी वो जहाँ पर बैठे हैं उसके सामने एक खिड़की है जिसका ओपन जो हो रही है वह लॉन की तरफ हो रही है। कहती है इसकी तरफ ही इशारा करके वह कहती है कि आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि अक्टूबर के टाइम में भी हमने इस खिड़की को क्यों ओपन रख रखा है। इट इज क्वाइट वार्म फॉर अ टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रेम्पटन, बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विथ हर ट्रेजडी। तो फ्रेम्पटन कहते हैं कि शायद थोड़ा वार्मनेस लाने के लिए, यानी थोड़ा गर्मी लेने के लिए आपने इस विंडो को ओपन रखा हो, पर क्या ये जो ट्रेजडी हुई है आपके साथ, इसका इस विंडो के साथ कोई कनेक्शन है? ऐसा मिस्टर फ्रेम्पटन उस लड़की से पूछते हैं। आउट थ्रो द विंडो 3 ईयर्स अगो टू अ डे, हर हस्बैंड एंड हर टू यंग ब्रदर्स वेंट ऑफ फॉर देयर डेज शूटिंग। वह नीस वापस बताती है कि 3 साल पहले मेरी आंटी के जो हस्बैंड हैं, वो और उनके दो यंग ब्रदर, यानी उनके दो छोटे भाई जो थे, वो इसी खिड़की से डे की शूटिंग के लिए बाहर गए थे। दे नेवर केम बैक। इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड, दे वर ऑल द थ्री इनगल्फ इन अ ट्रीचर्स पीस ऑफ सॉरी बो। और जब वो गए उसके बाद से वापस वो कभी भी नहीं लौटे हैं। वह बताती है कि वो तीनों जब शूटिंग करने गए थे तो वो अपने फेवरेट शूटिंग स्पॉट पे पहुंचे, या फिर उस जगह पर पहुंचे जहां पर उनको शूटिंग करनी थी। वो तीनों वहां पर उस गार्डन में पहुंचे और वहां पर जाकर के और वेट लैंड में फंस गए। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर यू नो, और उस समय में भी बहुत ही ज्यादा गर्मी का सीजन था। एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। और वो वापस कहते हैं कि आप जानते हो कि ऐसी भी कई जगह है जहाँ पर हम अचानक से विदाउट वार्निंग चले जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं हो जाती है। कहती है कि आप विदाउट वार्निंग अगर कहीं पहुंच जाते हो तो आपको अपनी तरफ से सेफ्टी रखना जरूरी होती है। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड। और उन तीनों की जो बॉडीज है वो हमें 8 दिन तक वापस नहीं मिली है। देट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट। और यह सबसे ज्यादा ड्रेडफुल यानी सबसे ज्यादा बुरा पार्ट था। हियर द चाइल्ड वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पजेस्ड नॉट एंड बिकम फ्लैटरिंगली। यहाँ पर उस लड़की की जो वॉइस थी, जैसे शुरुआत में बताया गया कि सेल्फ पजेस्ड, यानी वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, तो वो जैसे ही ये बात बताती है तो उसकी जो वॉइस है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, और वो बोलती है तो थोड़ी हिचकिचा के बोलने लग जाती है, यानी हेजिटेट के साथ बोलती है। पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक सम डे, दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनिल दैट वॉज लॉस्ट विद देम। और वो कहती है कि मेरी आंट जो है वह सोच रही है कि वो लोग कभी ना कभी वापस लौट करके यहाँ पर जरूर आएंगे, और उनके साथ में एक छोटा कुत्ता था जिसका नाम था ब्राउन स्पेनियल। वो कहती है कि वो लोग सब लौट करके एक दिन जरूर वापस आएंगे। एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू। इसी तरह से वापस आएंगे जैसे कि वो जब जाते थे तब वो विंडो से जाते थे, और वो कहती है कि वापस आएंगे तो भी वो इस विंडो से ही आएंगे। दैट इज वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज क्वाइट डस्ट।
और हर इवनिंग को मेरी आंट जो है इस विंडो को ओपन कर देती है। पुअर डियर आंट, शी हैज ऑफ्टन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट। वो कहती है कि मेरी जो आंट है वो मुझे हमेशा बताती रहती है कि किस तरह से वो लोग वहां से गए थे। हर हस्बैंड विथ हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म। कहती है कि उनके जब हस्बैंड गए थे तो उनके आर्म यानी हाथ में, आर्म का मतलब भुजा यानी उनके हाथ में जो था एक वाटर प्रूफ कोट था व्हाइट कलर का। एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बर्टी भाई डू यू बाउंड। और उनका जो छोटा भाई है रोनी, वो जो गया था उस समय वहाँ एक गाना गाते हुए गया, बार्टी भाई डू यू बाउंड, यानी इस तरह का सॉन्ग गाते हुए यहाँ से गया था। एज ही ऑलवेज डीज टू टीज हर। और वो उसकी आंट उसको बताती है कि वो इस तरह का गाना गाता और रोज उसको चिढ़ाता था, यानी उसको परेशान करने के लिए वो इस तरह का गाना गाया करता था। बिकॉज शी शेड इट गोट ऑन हर नर्वस। और उसकी आंट बताती है कि इस तरह से वो उन लोगों को की याद करती रहती है, मतलब उन लोगों के बारे में इस तरह से सोचती रहती है। डू यू नो समटाइम ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू वॉट दैट विंडो। और वो लड़की वापस कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है किसी इवनिंग में कि ऑलमोस्ट मुझे एक क्रीपी फीलिंग आती है कि वो लोग जो है किसी न किसी दिन इसी विंडो से वापस आएंगे, जैसे कि वो इसी विंडो से गए थे और वापस इसी विंडो से आएंगे, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है। तो इस तरह से हमने हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट किया है। इसमें एक 15 इयर्स ओल्ड गर्ल जो है वो मिस्टर नटल को बता रही है कि उसकी आंट के साथ जो ट्रेजडी हुई है उसकी स्टोरी वह पूरी बताती है। और अब हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में कि पार्ट टू में क्या होता है। और अगर आपको यहाँ तक मेरी ये स्टोरी समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।